हे गाइस वेलकम। तो कैसे हो? आई होप सब ठीक हो गए। तो यह हर बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। आप देख सकते हो आरसीबी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे उन्होंने एक पोस्ट डाला है जहाँ पे सब ऐसा तीन चार जो लोग कूद रहे और सीधा ग्राउंड है नीचे, और ये शायद से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का हो सकता है। आपको पहले देख के नहीं लगेगा कि यार ये थोड़ा ग्राफिक और ये पब्लिक का बॉडी शेप देख के नहीं लगेगा कि यार ये पबजी है। आप थोड़ा सा जूम करोगे ऊपर तो ये आपको ये दिख जाएगा यार, ये एंगल का मैप है। तो आप समझ सकते हो ये ज़रूर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के तरफ से ही है कि लोग धीरे धीरे अभी टीज करना चालू कर रहे हैं। जैसे कि रिलीज डेट नज़दीक आ रही है, ऐसे ही हमें और भी बहुत सारे जगह पे पोस्ट देखने मिलेंगे। जैसे ही क्लोज़र एंड क्लोज़र आते जाएगी रिलीज डेट वैसे ही, और नेक्स्ट की ओर आते हैं तो देखेंगे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि उनका लाइव स्ट्रीम आ गया है। ये कोई इनका लाइव स्ट्रीम नहीं है, उन लोगों का ग्लिच है। अब अगर आप प्राइवेट में लाइव स्ट्रीम करोगे तो आपका पब्लिक में जाता है, सबको नोटिफिकेशन नहीं रहता, लेकिन जो भी यहाँ पे आप देखेगा उनको ज़रूर दिखता है। भले ही थोड़ी देर के लिए बाद में उन लोग डिलीट कर सकते हैं, ये क्या मालूम यूट्यूब का ग्लिच है, बहुत सारे लोग के साथ भी हुआ है। और ये क्यों हुआ है आपको मैं बता दूँ कि जैसे ही रिलीज डेट नज़दीक आएगी, आई थिंक मई एंड में और जून के स्टार्टिंग में, इन लोग ने जो भी क्रिएटर है उनके, जो भी बड़े बड़े क्रिएटर है उनके साथ उन लोग लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे हाइप बढ़ाने के लिए। वो इसकी वजह से उन लोग अभी से टेस्ट करते रहेंगे स्ट्रीम को, क्या मालूम आगे जाके स्टार्टिंग में ही एक लीग ला दे या फिर टूर्नामेंट ला दे, कुछ नहीं कह सकते। तो यही था आज के लिए, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। For like this content, subscribe to my channel. See you in the next one. Peace.